हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप प्रीपेड मीटर जो लग रहा है उसको रिचार्ज कर सकते हैं आप खुद से अपने फ़ोन से, और या फिर दूसरा का भी अगर आपका प्रीपेड मीटर है तो उनका भी आप आईडी को अपना लॉगिन करके आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। किस तरह से रिचार्ज करना है और किस माध्यम से कि कौन सा ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको उसे रिचार्ज करने के लिए, वो भी आपको हम बता देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे देखिए बिहार बिजली बिल पे, ये वाला जो है ये आपको इंस्टॉल करना है। इसके नीचे एक और है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर, तो ये जो है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल ये मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल है तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करिएगा इस तरह का आपका डिस्प्ले पे खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर नेम, रजिस्टर पर पासवर्ड, ये सब कुछ नहीं करना है। सबसे नीचे आइए देखिए पे बिल रिचार्ज का ऑप्शन है, पे बिल रिचार्ज का ऑप्शन है। यहाँ पे आकर के आप क्या करते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेलकम टू डिस्कॉम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंज्यूमर नंबर आपको बोल रहा है, कंज्यूमर नंबर आपको डालना है। कंज्यूमर नंबर या फिर कस्टमर नंबर जो भी है उनका, वो आपको डालिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो कस्टमर का नंबर है वो डालिएगा या फिर कंज्यूमर नंबर जो है वो डालिएगा। चलिए अभी हम इसको इसमें कंज्यूमर नंबर है वो डालते हैं, जो आपका 10 नंबर के आसपास रहता है, उनका जो बिजली बिल पहले निकलता था रसीद में उसमें होगा। तो वहाँ पे हम देखिए इसमें डाल रहे हैं फिलहाल, और उसमें आपको पहले बिल दिखा देगा कितना आपका बिल है, उसको पे करना चाहिएगा तो पे करने को भी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, कंज्यूमर नंबर जो डालते हैं। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको, चलिए नंबर डालने के बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जिनका है उनका आईडी खुल गया है, मुकेश कुमार के नाम से है। ये 22 जून 2022 तक आपका दिखा रहा है, 12:42 तक अपडेट इनका है। ये 20 रुपया ये प्लस में है, इनका माइनस में नहीं है। करंट बैलेंस दिखा रहा है 20 रुपया से पैसा, और यहीं से आपका है कि रिचार्ज करने का ऑप्शन देखिए, मोबाइल नंबर, जीमेल और रिचार्ज अमाउंट यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये तीनों का मोबाइल नंबर जो भी है आप डालिएगा, जीमेल है ऑप्शनल है डालिएगा, या नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फिर रिचार्ज अमाउंट जो भी डालना है, अगर 100 रुपये हम इसे डालते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक मोबाइल नंबर हम कुछ भी एक डाल देते हैं। चलिए एक हम नंबर डाल दिए, इसके बाद फिर क्या करते हैं, ये देखिए नीचे रिचार्ज का ऑप्शन है। जैसे ही रिचार्ज के ऑप्शन पे आइएगा, तो आपका इस तरह से एक आपका खुलेगा डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपका 100 रुपया देखो ऊपर दिखा रहा है, ऑर्डर नंबर 100 रुपया, अमाउंट इतना हो गया। फिर आपको किस तरह से करना है, एटीएम कार्ड से करना है या फिर अदर कोई ऑप्शन है, अदर डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, पे लेटर हो गया। अगर ATM से करना है तो ATM का नंबर, कार्ड नंबर डालना है, मंथ डेट ये डालना है, CVV नंबर डालना है। इसके नीचे UPI है, नेट बैंकिंग है। UPI में अगर आप UPI पे आ जाते हैं तो फ़ोनपे हो गया, भीम UPI हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, जो भी कर है आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। UPI जो मोबाइल नंबर है वो डालिएगा, उसके बाद फिर पे कर दीजिए। आपका पे करिएगा तो ऑप्शन पे आएगा, फिर आपका जो भी है वॉलेट से पैसा कट जाएगा, अब आपका वो रिचार्ज आ जाएगा इस पर। ठीक है, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।